हेलो फ्रेंड्स, सीमा कुकरी एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और आपकी सीमा फिर से आपके सामने हाजिर है। तो सबसे पहले तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो ये साल आपके लिए बहुत ही खुशियों से भरा आए। तो इसी के साथ मैं आज जो नए वर्ष की शुरुआत करने जा रही हूँ, एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी से करने जा रही हूँ और वो है आटा लड्डू। तो ये आटा लड्डू जो है वो आम आटा लड्डू नहीं है, क्योंकि इसमें मैं जो चीज़ें डालूंगी ये सभी के लिए बहुत ही हेल्दी होंगी और इस सर्दियों में आपको ये आटा लड्डू खाकर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और आप एक बहुत अंदर से शक्ति महसूस करेंगे। और ये बिना घी के बनेंगे। तो ये कैसे बनेंगे, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कटोरी अलसी। तो अलसी से रिलेटेड हेल्थ और कुकिंग टिप्स की वीडियो मैं पहले से डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। तो इसको हम स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो इसमें से एक अच्छी सी महक आ रही है और ये चटकना भी शुरू हो गई है। इस स्टेज पे मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा करके ग्राइंडर में इसका एक हम पाउडर बना लेंगे। तो इसी कढ़ाई में अब हम एक कटोरी आटा लेंगे और स्लो फ्लेम पर ही हम लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे। हमें फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर ही हमें आटे को भूनना है। अब ये देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। तो इसी स्टेज पे मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और आटे को दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफर कर दूंगी। अब आटा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ये अलसी को मैंने पीस लिया था, अब इसमें हम आटे में डाल देंगे अलसी को। और ये मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, थोड़ा सा कटा बादाम, किशमिश और थोड़ा सा कटा काजू। तो आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो अब इसको हम मिलाएंगे और चीनी जो है ये मैंने ब्राउन शुगर ली है, जिसका मैंने पाउडर मिक्सी में बना लिया था। तो अब इस सारी चीजों को हम मिला लेंगे। तो ब्राउन शुगर भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है नॉर्मल शुगर से, तो मैं ये ब्राउन शुगर डाल रही हूँ इसमें आधी कटोरी। तो आप अपने टेस्ट से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, तो आप इसको इस तरह भी चूरमे के रूप में खा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से खा सकते हैं। लेकिन हमें लड्डू बनाने हैं, तो लड्डू बांधने के लिए हमें थोड़ा सा घी चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा गर्म घी करके 2 छोटे चम्मच डाला है। तो अब इसको हम इस तरह हाथों की सहायता से इसको हम मिलाएंगे और इस तरह से देखेंगे कि ये लड्डू बंध रहे हैं नहीं बंध रहे। अब ये देखिए लड्डू थोड़े बंध रहे हैं, एक छोटा चम्मच और डालेंगे, जिससे क्या होगा लड्डू और अच्छे से बंधेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें अच्छे से घी मिलाएंगे। अब ये देखिए हमारा लड्डू बंध रहे हैं। जी हाँ, अब हमारे लड्डू बंध रहे हैं। तो अब हम लड्डू बनाते हैं। तो उसके लिए हम हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और करछी का नाप लेते हुए एक साइज के हम लड्डू बनाएंगे इस तरह से हाथों की सहायता से। इस तरह से देखिए मैं जैसे बना रही हूँ, ये देखिए लड्डू हमारा बन रहा है, ये देखिए ये बहुत हेल्दी लड्डू बनने वाले हैं। ये देखिए कितना सुंदर लड्डू बना है। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूंगी और मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। वाओ, कितना दानेदार बना है। करती हूँ आपको ये मेरी नए साल की पहली रेसिपी पसंद आई होगी। तो मैं तो एंजॉय करने जा रही हूँ, तो आप भी इन्हें बनाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि कैसे बने।